हाँ, मैं पता है शॉर्ट वीडियोस ही प्रेफर करती हूँ, ज़्यादा घंटे भर के लेक्चर्स प्रेफर नहीं करती, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से काम जल्दी होता है और पार्ट्स में वीडियो देखते हैं तो इट्स ईजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। हमने लास्ट टाइम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात की थी, जिसमें हम बात करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम की। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर वेरी इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स, बोथ नॉन मेटल्स आर फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड देयर स्ट्रक्चर आर लाइक दैट ऑफ डायमंड, दैट इज़ लाइक कार्बन। ईच सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम हैज फोर बॉन्ड्स। एट वेरी लो टेम्परेचर वैलेंस बैंड ऑफ बोथ द एलिमेंट्स आर कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। कब बात कर रही हूँ मैं, लो टेम्परेचर में। एंड कंडक्शन बैंड रिमेन्स एम्प्टी अंडर सच कंडीशन। बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम किसकी तरह बिहेव करेंगे लो टेम्परेचर में, एज अ इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इज टू कंट्रोल देयर टेम्परेचर, बिकॉज एट हायर टेम्परेचर मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग डिक्रीजेज एंड क्रिस्टल ब्रेक हो सकता है अगर ज़्यादा हीट हो गए। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल बनाने में हेल्प करें अगर वही निकल जाएंगे तो क्रिस्टल टूट जाएगा। तो दैट्स वाई हम इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स को प्रेफर नहीं करते।